हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप। डिजिटल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 हिडन फीचर्स ऑफ मोटो G4 प्लस। जैसा कि आप लोगों को पता है, मोटोरोला ने अपने G4 के लिए ऑफिशियली नौगट अपडेट को दे दिया है। इसी के साथ मोटोरोला ने काफ़ी चेंजेस भी किए हैं डिवाइस में, काफ़ी हिडन फीचर्स भी चेंज किए हैं। तो आज मैं आपको 3 हिडन फीचर्स बताने जा रहा हूँ। इसके हिडन फीचर्स को हम डायरेक्ट तो देख नहीं सकते, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने शटर को नीचे कीजिए, जैसे कि मैं अब कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर सेटिंग का एक आइकन दिख रहा होगा यूजर के साइड में, तो आपको उसी पे कम से कम ये समझ लीजिए 5 से 7 सेकंड के लिए आपको उस पे उंगली लगाए रखनी होगी या फिर प्रेस करना होगा, जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ। देखो, सेटिंग का आइकन अब देखो घूम रहा है। जैसे कि अब 5 से 7 सेकंड हो गए तो हम इसको छोड़ देंगे। देखिए, कांग्रेस सिस्टम UI ट्यूनर हैज बीन एडेड टू सेटिंग। हमारे को दिख गया है कि सिस्टम UI ट्यूनर एक्टिवेट हो गया है। सिस्टम UI ट्यूनर सेटिंग में नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। अब हम सिस्टम UI ट्यूनर को खोलेंगे। यहाँ पर हमको अंडरस्टूड करना होगा। ओके, पहला हिडन फीचर जो कि हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले हम स्टेटस बार को खोलेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑटो रोटेट हेडसेट वगैरह दिख रहे हैं। आप नीचे जाएंगे सीधा, यहाँ पे आ रहा है बैटरी। जैसा कि आपको पता है, मोटोरोला में बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाता है। अगर आप बैटरी परसेंटेज देखना चाहते हैं तो बैटरी को खोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑलवेज शो परसेंटेज, शो परसेंटेज व्हेन चार्जिंग, डोंट शो दिस आइकन। अगर आप बैटरी का आइकन देखना ही नहीं चाहते तो आप डोंट शो कर दीजिए। देखिए, बैटरी का जो आइकन है वो हिडन हो गया। अगर आप बैटरी के आइकन को देखना चाहते हैं तो, और उसके साथ परसेंटेज देखना चाहते हैं तो ऑलवेज शो परसेंटेज। देखिए, यहाँ पर परसेंटेज दिखाने लग गया है। जैसे कि अभी मेरे मोबाइल में थोड़ी बैटरी कम है इसलिए रेड आ रहा है, लेकिन आपके में नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो पहला फीचर तो ये हो ही गया बैटरी का, अब आपको परसेंटेज दिखने लग गई है। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन आता है वो है टाइम का। जैसे कि अब हम इसको खोलते हैं, नीचे टाइम दिख रहा है आपको, 100 हॉर्स एंड मिनट, नीचे नीचे बिल्कुल टाइम। इसको खोलेंगे, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले दिखा रहा है 100 हॉर्स मिनट्स एंड सेकंड्स, दूसरा दिखा रहा है 100 हॉर्स एंड मिनट्स डिफॉल्ट, जो कि बेसिक रूप से हमारे फ़ोन में होता ही है, तीसरा आ रहा है डोंट शो दिस आइकन। अब उसका मतलब तो आप जान ही गए कि ये आइकन नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए, टाइम यहाँ से हट गया है। अगर हमको 100 हॉर्स मिनट्स एंड सेकंड, घंटे मिनट और सेकंड तीनों एक साथ देख रहे हैं, तो हम इस पर प्रेस करें। देखिए, यहाँ पर हमको घंटे मिनट और सेकंड तीनों दिखाई दे रहे हैं। अब वो आपकी इच्छा है, आप अगर सेकंड्स को देखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप यहाँ से 100 हॉर्स एंड मिनट्स डिफॉल्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और फीचर ये हो गया है। अब तीसरा फीचर मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी लोग ये रहते हैं कि ये नेटवर्क वगैरह को, अगर आप ये जो नेटवर्क के दिख रहे हैं, LTE दिख रहा है ऊपर ही ऊपर आपको, इसके बगल में जो दो सिम के जो नेटवर्क आ रहे हैं, आप इनको भी यहाँ से हिडन कर सकते हैं। तो हिडन कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आपको मोबाइल डाटा का ऑप्शन दिख रहा है एथरनेट और एरोप्लेन मोड के बीच में, तो आप मोबाइल डाटा को बंद कर देंगे इस तरह से। देखिए, गायब हो गए हैं मोबाइल नेटवर्क, खाली वोल्टी और बैटरी दिख रहा है। अगर वापस आप नेटवर्क को देखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दीजिए। देखिए, नेटवर्क शो होने लग गया है। तो दोस्तों, ये थे मोटोरोला के 3 हिडन फीचर्स। मैं सोचता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो से लेके।